गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मीनू एंड टुडेज टॉपिक इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन मींस पीपीडी। सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन यू नो वेरी वेल, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है आफ्टर डिलीवरी जो कॉज होता है डिप्रेशन, उसे हम बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो कहते हैं कि जो 40 वीक्स का जो हमारा होता है वो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, 40 और 42 वीक्स तक। कभी कभी जैसे 40 वीक्स तक बेबी बॉर्न नहीं होता है तो 41 एंड 42 वीक्स तक डॉक्टर वेट करते हैं। एंड आफ्टर 40 और 42 वीक्स जब बेबी बॉर्न हो जाता है उसके बाद का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके बाद का जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं पोस्टपार्टम बोलते हैं। जो डिप्रेशन कॉज होता है उसे बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो जैसे 40 वीक्स कंप्लीट होते हैं, बेबी बॉर्न हो जाता है, बेबी बॉर्न होने के बाद सोचते हैं कि सारी प्रोसेस एंड हो गई। बट उसके बाद से मदर का एक नया फेज स्टार्ट होता है, जो कि पोस्टपार्टम फेज जो होता है वो स्टार्ट होता है। एंड काफ़ी सारे चैलेंजेस से मदर वैसे भी 40 वीक्स तक सफ़र करती है। जैसे स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकेंड थर्ड थ्री ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो सफ़र करती है नौजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, बैकएक। सेकंड में, देन थर्ड में, कभी कभी पूरे लास्ट ट्राइमेस्टर तक मदर इन सभी चीज़ों से सफ़र करती है। देन बेबी बर्थ होता है, बेबी बॉर्न होने के बाद पोस्टपार्टम पीरियड उसका स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग होता है। जैसे यदि मैं अपनी बात करूँ तो जब मेरा डेट था 1st ऑफ अगस्त का डिलीवरी डेट, सो 31st तक कोई भी सिम्टम्स नहीं थे लेबर पेन के। सो डॉक्टर ने बोला था कि इंड्यूस करेंगे, तो 31st को हम लोग एडमिट हो गए थे, मैं एडमिट हो गई थी मीन्स 31st को, और 31st को मिडनाइट में मेरा बेबी बॉर्न हुआ है। और उसके बाद जैसे हॉस्पिटलाइज जब हम थे, हॉस्पिटल में मुझे 3-4 दिन स्टे करना पड़ा। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी था मेरा, और नॉर्मल डिलीवरी में मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 to 3 days स्टे करना होता है, बट ड्यू टू सम रीजंस डॉक्टर ने मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा रखा था, क्योंकि ड्यू टू कोविड फैमिली से कोई भी आ नहीं पाया था इंडिया से यहाँ पर कनाडा में, और उसकी वजह से डॉक्टर्स को ये सब पता था, इसीलिए उन्होंने बोला कि फैमिली मेम्बर्स कोई है नहीं हस्बैंड के अलावा, तो इसलिए उन्होंने 1-2 दिन और एक्स्ट्रा रखा ताकि जो भी अच्छे से इनिशियल जो केयर है वो अच्छे से दे पाए हमें प्रोवाइड कर पाए, और कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है वो आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने 1-2 दिन हमको और स्टे करना पड़ा था मुझे। तो जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती है। एक तो जो हम जो वुमन रहती है, मदर रहती है, वो ऑलरेडी फिजिकल पेन से सफ़र करती है, प्लस कुछ मेंटली प्रेशर भी रहता है, क्योंकि फिजिकल पेन इतना रहता है, ऊपर से फिर क्या होते हैं जो जैसे यदि सब कुछ नॉर्मल है तो ठीक है, वरना कभी कभी जैसे बेबी को यदि कोई प्रॉब्लम है, कभी कभी ऐसा होता है कि जॉइंडिस हो गया, जो कि कॉमन होता है जॉइंडिस, जो एट द टाइम ऑफ बर्थ के बाद जो है 1 to 2 वीक में कभी कभी किसी बेबी के साथ जॉइंडिस का प्रॉब्लम आता है। तो मेरे केस में यह था कि ब्रेस्ट मिल्क जो है प्रॉपर इनसफिशेंट था, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा था, सो डॉक्टर ने इसीलिए मुझे 1-2 दिन और स्टे करना बोला था हॉस्पिटल में। तो क्या था, डॉक्टर लोग जो नर्सेस थी काफ़ी सपोर्टिव थे, वहाँ के जो जितना भी पूरा स्टाफ था काफ़ी सपोर्टिव था, बट ये होता है ना कि वैसे ही तो नींद हमारी जो है आफ्टर डिलीवरी जो है इनिशियल डेज में हो नहीं पाती, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, और प्लस ठीक से हमें ना वॉकिंग करते बनता है ना चलते बनता है, 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं। वैसे हीलिंग यदि बोला जाए तो 15 days to month भी लग जाते हैं हीलिंग होने में, हीलिंग तो हो जाती है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पेन रहता ही है, जो कि धीरे धीरे मंथ एंड होने तक चला जाता है। और फिर क्या था कि जैसे हॉस्पिटल में नर्सेस आती थी बीच बीच में देखने के लिए, तो वो
वो ये भी देखती थी कि मतलब ब्रेस्ट मिल्क वैसे ही नहीं आ रहा था, तो इंसान मैं तो टेंस्ड हो गई थी कि यार ऐसा क्यों, सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता, इतना तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये लगता था यार मेरे साथ ही ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। और फिर नर्सेस उस बीच में बार बार आकर वो चेक करती थी कि मतलब ब्रेस्ट फीडिंग आप कर पा रहे हो कि नहीं। और स्टार्टिंग डेज में ऐसा होता है कि जो है बेबी प्रॉपर लैच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि जब तक बेबी सक नहीं करता है मिल्क का प्रोडक्शन प्रॉपर होता नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो मेंटली प्रेशर डालती है कि यदि ब्रेस्ट से सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, ऊपर से जब डॉक्टर या नर्सेस उस चीज़ के लिए हमको बोल रहे हैं बार बार कि आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ का एक प्रेशर बन जाता है माइंड में, जो कि मेरे ऊपर बन गया था आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा था। नर्सेस जब फॉलोअप के लिए बार बार आ रहे थे तो वो यही बोल रहे थे कि क्या कर रहे हो आप, नहीं मतलब आपको अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कराना पड़ेगा, वरना जो है बेबी को फॉर्मूला फीड देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर बन गया था माइंड में। और उसके लिए स्पेशल डाइटिशियन भी, लैक्टेशन जो रहते हैं, लैक्टेशन जो है लैक्टेशन कंसल्टेंट जो थे, वो बार बार आके हेल्थ एजुकेशन दे रहे थे, एडवाइस कर रहे थे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो उन्होंने मुझे फिर थोड़ा मुझे एडवाइस किया, एजुकेट किया, और मेरी हेल्प की थोड़ा इनिशियल डेज में कि कैसे आपको प्रॉपर पोजीशन लेना है। जैसे काफ़ी सारे ब्रेस्ट पोजीशन होती है, फीडिंग कराने की पोजीशन होती है, जैसे फुटबॉल पोजीशन होती है और कंगारू केयर जिसे बोलते हैं वो, तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें उन्होंने मुझे बताया था कि आप जिसमें कंफर्ट हो आप उस पोजीशन में फीडिंग करवा सकते हैं। तो मैं हमेशा प्रिफर करती थी फुटबॉल पोजीशन, जो कि हैंड टू हैंड पोजीशन होता है और काफ़ी इजी इजी है, एंड बेबी भी उसमें कंफर्टेबल होता है एंड आप खुद भी कंफर्टेबल होते हैं। और इनिशियल डेज में जैसे फिर जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद जब घर आ गए, तो घर आने के बाद भी कुछ दिनों तक जो स्टार्टिंग में जो बेबी रहते हैं वो तो प्रॉपर स्लीपिंग टाइम उनका होता ही है स्टार्टिंग के डेज में, बट ब्रेस्ट फीडिंग जैसे प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था कि आप लैच तो प्रॉपर तरीके से हो पा रहा था, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था कि आप कुछ दिनों तक ब्रेस्ट पंप कर सकते हैं। तो मैं ब्रेस्ट पंप यूज़ कर रही थी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए, एंड ब्रेस्ट पंप, फिर इन बिटवीन मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग, देन ब्रेस्ट पंप, देन ब्रेस्ट फीडिंग, देन ब्रेस्ट पंप, ये मैं कर रही थी। तो वो काफ़ी यूज़फुल रहा मेरे लिए स्टार्टिंग के डेज में। यदि आप में से भी कोई ऐसे हैं जिनके ब्रेस्ट सप्लाई यदि प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो आप ब्रेस्ट पंप यूज़ कर सकते हैं, जो कि टू टाइप्स का होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक भी होता है और एक होता है। देते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है और इससे बचने के लिए क्या करना है, बेसिकली वो हमें एजुकेट करते हैं ताकि हम इस चीज़ से सफ़र ना करें। तो यही होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और एजुकेट करने के अकॉर्डिंग वो होता है, जैसे हमें वो एजुकेट करते हैं कि आपको प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न अपना मेंटेन करके रखना है, प्लस बच्चे को का रूटीन ऐसे रखना है कि, वैसे स्टार्टिंग डेज में तो ऐसा नहीं होता कि हम एकदम से बच्चे का रूटीन बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना पड़ता है। लेकिन ये है कि आप जैसे स्टार्टिंग से आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो वो आपके लिए भी अच्छा है, प्लस एज वेल एज बेबी के लिए भी अच्छा है। और इससे क्या होगा, यदि आपका पैटर्न मेंटेन है तो आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपके घर के जो काम है, या फिर आपको भी पर्टिकुलर टाइम मिलेगा अपना, अपने लिए और बेबी के लिए भी। सो यही था। यहाँ क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी जो लैक्टेशन कंसल्टेंट जो होते हैं वो डोर टू डोर जाकर वो एजुकेट करते हैं वुमेन को, मदर को एजुकेट करते हैं, प्लस उन्हें यदि किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, किसी ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड या और कोई प्रॉब्लम है, तो वो उन्हें एजुकेट करते हैं प्रॉपर। बट ड्यू टू कोविड अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, तो जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो डॉक्टर कॉल पे ही, कॉल में मतलब कॉल अपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि ड्यू टू कोविड कोई आता नहीं है अभी। बाकी इंडिया में मैंने ऐसा नहीं देखा है अभी तक कि
जैसे मिल्क सप्लाई यदि मदर को प्रॉपर नहीं हो रही है तो नर्सेस या फिर डाइटिशियन या जो लैक्टेशन कंसल्टेंट है वो डोर टू डोर जाकर मदर को एजुकेट करे या फिर देखे कि कैसा है, क्या कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। बट यहाँ पर ऐसा होता है कि जो लैक्टेशन कंसल्टेंट है वो डोर टू डोर जाकर देखती है मदर को और हमेशा उनका फॉलोअप लेते रहती हैं कि कैसा है, कैसा प्रोसेस है, ब्रेस्ट फीडिंग बेबी प्रॉपर कर रहा है कि नहीं, उसका वेट कितना इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो ये था मेरा छोटा सा वीडियो अबाउट पीपीडी। सो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।